हेलो एवरीवन, बहुत अच्छी वैकेंसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वैकेंसी सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती की है। 27 स्वामी आत्मानंद विद्यालय सीधी भर्ती का एक नया नोटिस जारी हुआ है, जहां हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर यहाँ सिलेक्शन रहने वाला है। आपके जितने भी मार्क्स हैं क्वालिफिकेशन के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं ली जाएगी। सैलरी आपकी यहाँ पर अधिकतम 38,000 मिलेगी। TGT, PGT, PRT सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। कोई आपकी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन करते वक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। तो ये मौका जो है वो बिल्कुल आप हाथ से जाने ना दें, क्योंकि आपको याद हो कि इस स्कूल की जो वैकेंसी है वो मैं पहले भी जो है वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी एक और नया नोटिस आ गया है और उस नोटिस में जो है जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। तो जो भी विद्यार्थी रह गए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया या जिनको वैकेंसी का पता ही नहीं चला, तो वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट पर जो है वो लेकर चलती हूँ। ये मेन वेबसाइट है छत्तीसगढ़ सरकार, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर से वैकेंसी है। आप नीचे आएंगे, व्हाट्स न्यू में आप लोगों को सबसे ऊपर नजर आएगा नोटिस, नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट हब WCD रायपुर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पूरा नोटिस जारी हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट जो है वो कंप्लीट पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सैलरी वगैरह, सिलेक्शंस कैसे रहेगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप पिछले वीडियोस जरूर देखें जहां पर आप लोगों को सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का इस तरीके से थंबनेल में लिखा होगा, या फिर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल की भर्ती, इस तरीके का जो है आप लोगों को जरूर वीडियो मिलेगा। तो आप पिछले वीडियोज देखिएगा, बहुत सारे वीडियो में इसके ऊपर बना चुकी हूं, 4 से 10 वीडियो अलग अलग जिले से जैसे ही वैकेंसी आई है सभी के लिए बनाए हैं। तो यहां पर जो नया नोटिस है, स्वामी आत्मानंद विद्यालय में संविदा भर्ती तिथि में संशोधन की सूचना, 5 अक्टूबर 2023 को यह नोटिस आया है। और जब नोटिफिकेशन आया था तो फॉर्म की डेट थी 27 सितंबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो चेंज हो गई है डेट, आगे बढ़ गई है, और बहुत सारे स्टूडेंट फिल भी कर चुके हैं फॉर्म और कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं चला। ऐसी वैकेंसी के बारे में जो है सभी को पता नहीं लग पाता है। तो बस संविदा भर्ती के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन की, अभी जो है पहले ऑफलाइन था, आप लोगों को ऑफलाइन मोड में जो है वो सेंड करना था, रजिस्टर पोस्ट करना था, स्पीड पोस्ट करना था, बट अभी जो है संविदा भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित तिथि को दिनांक 11 अक्टूबर तक बढ़ाया जाकर ऑनलाइन आवेदन हेतु गूगल फॉर्म लिंक जिले की वेबसाइट, ये मेन वेबसाइट है जो कि मैंने आपको दिखाई, इस पर उपलब्ध है, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसे आप भरेंगे। मैं आप लोगों को अभी गूगल फॉर्म दिखा दूंगी। अतः आवेदकों से बढ़ी हुई तिथि 11 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के समय के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो जो डेट होती है उससे पहले ही जो है आप सेंड कर दें अगर आप इच्छुक हैं। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप लोग जो है पिछले वीडियोज देखिएगा, स्वामी आत्मानंद विद्यालय में सीधी भर्ती का, ठीक है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म दिखा देती हूँ। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर जो है सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है, नोटिस रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट, इस पर आप जो है क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जिला रायपुर के लिए संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर साइन इन टू कंटिन्यू, ठीक है, इसे जारी करने के लिए सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा, यानी पहले आप लोगों को यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह डालना होगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा। इसे आप भर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करके, और फिर आप लोगों को भेजना है। सबसे पहले आप लोगों को साइन इन करना होगा, ठीक है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल और फोन, ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे और नेक्स्ट करके जो है गूगल फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वैकेंसी निकलती है तो आप बिल्कुल आप लोगों तक सूचना मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, तभी आप लोगों को समय पर सारी बातें पता चल पाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।